गुजरात के गांधीनगर में 35 साल पुराने थर्मल पावर प्लांट के दो टावरों को धमाके से गिरा दिया गया। 135 मीटर की ऊंचाई वाले इन टावर को गिराने के लिए उनमें विस्फोटक लगाए गए थे, जिसके बाद तेज धमाके हुए और दोनों टावर एक के बाद एक भरभराकर नीचे गिर गए। टावर के नीचे गिरते ही वहां धुएं का गुब्बार उठ गया। आसपास के लोग भी ये नजारा देख रहे थे। वहीं कुछ लोगों की चीखने की भी आवाज सुनाई थी। पहले टावर के नीचे गिरने के थोड़ी ही देर बाद दूसरे टावर को भी उसी तरह नीचे गिराया गया। इसके बाद वहां और तेजी से धुआं फैलने लगा। हालांकि दोनों टावर को गिराने से पहले ऐसे इंतजाम किए गए थे कि आसपास कोई नुकसान ना हो, जिसका ख्याल यहां पर रखा गया था। लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे ये पहला टावर जो है वो नीचे गिरता है। लोग अपने घरों की छत पर खड़े होकर तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए नजर आए। ये टावर जब गिरा तो चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया और उसके कुछ ही देर बाद ये दूसरा टावर भी वहां पर धमाके से गिरा दिया गया। गुजरात के गांधीनगर की तस्वीरें हैं। हालांकि पूरा इंतजाम इस बाबत रखा गया कि इन टावरों के गिरने से कहीं आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे, इसका ख्याल रखा गया। इसके लिए पूरे इंतजाम भी वहां किए गए थे। लेकिन इस तस्वीर को देखने के लिए वहां पर लोग अपने घरों की छतों पर इकट्ठा हो गए। कैसे पहला ये टावर जब नीचे गिरा तो इससे उठता हुआ धुआं काफी दूर से ही देखा जा सकता था।